yeah. तुझे क्रिकेटर बनना है तो तू ऐसा कर, तू ना धोनी जैसा बनियो, या फिर भाई विराट कोहली जैसा। विराट कोहली बहुत है ना भाई, उसके साथ अनुष्का है। नहीं यार भाई, तू ना हार्दिक पांड्या भी बहुत सुपर कर रहा है, तू हार्दिक पांड्या जैसा बन जा। नहीं तू छोड़, तू भाई सचिन तेंदुलकर जैसा बनियो। सचिन जो है ना, सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन से ऊपर कोई नहीं। हाँ सचिन जैसा क्रिकेटर बनियो, नहीं तो भाई ना बनियो। अच्छा तुझे तुझे फ़ोन चाहिए भाई, तो फ़ोन भाई तू लेना वो आईफोन 11 प्रो मैक्स भाई, 1.5 लाख का फ़ोन है। बट क्या फ़ोन है यार, तीन कैमरा लगे हैं ना भाई इसमें, अलग अलग कैमरे। बस तू अलग अलग कैमरे से करियो, आगे भी 2 कैमरे हैं, पीछे 3 कैमरे हैं, जिस भी कैमरे से करियो भाई, मतलब बहुत अच्छा फ़ोन है। फ़ोन लेना तो आईफोन 11 प्रो मैक्स लियो, नहीं तो ना लियो, ठीक है। और तुझे सिंगर बनना, तो भाई सिंगर तो भाई तू बनियो अरिजीत सिंह जैसा, बहुत है ना। नहीं यार तू यार, ये जो करण औजला वगैरह ना, करण औजला सिद्धू मूसे भाई, वैसे का सिंगर बन यार। पीछे गाड़ियाँ देखी, रेंज रोवर भाई, ये सब गाड़ियाँ लगी होती हैं। फॉलोअर्स भाई उनके इंस्टा पे, यूट्यूब पे उनके फॉलोअर्स हैं भाई। एक गाना बातें भाई उसी दिन ट्रेंडिंग। तू बनियो ना, तू तू सिंगर बनेगा ना, सिद्धू मूसे वाला जैसा बनेगा, नहीं तो भाई मत बनियो, कोई फायदा नहीं। तुझे भाई इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चाहिए ना, तू काम कर रहा ना ऐसा इन्फ्लुएंसर काम कर रहा, तो यार तेरी गलबात पता कब बनेगी, जब तेरे होंगे 1 मिलियन फॉलोअर्स, 1 मिलियन यस। नहीं तो भाई कौन पूछता यार, इतने तुरी फिर रहे, तेको कौन पूछेगा बीच में। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है ये प्रॉब्लम। मतलब हम कुछ भी करना चाहते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हाई आ चुके हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लिटिल प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, हम वो प्रोग्रेस देख ही नहीं रहे, उससे खुश ही नहीं हो रहे, बिकॉज सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब ने हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़ा दिया कि हमारे पे जो सोशल प्रेशर है, हम खुश ही नहीं हो रहे हैं यार। मतलब ठीक है यार, सचिन तेंदुलकर जैसा बनना, विराट कोहली जैसा बनना, वैसे का अपना नाम बनाना, या अंबानी जैसा कुछ कर लेना, मतलब दिस इज़ अ लाइक वेरी मतलब कंपेटिटिव हो आप लाइफ में, आपके बड़े सपने हैं, बहुत अच्छी बात है। पर्सनली मेरे बहुत बड़े सपने हैं, बट द ट्रूथ इज सबके नहीं ऐसे सपने, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आपके इतने बड़े बड़े सपने नहीं, आपको अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको आपको नहीं है कि यार मुझे नहीं बनना सचिन तेंदुलकर जैसा, मुझे बस खुद बनना है, मुझे अभिनव जैन बनना है, मुझे सिर्फ जितना मैं कर रहा हूँ अभी, मैं रणजी खेल रहा हूँ, चाहे अगर आप इफ़ यू आर हैप्पी विद इट देन मैन दैट्स वॉट यू वॉन्ट। कोई सोशल प्रेशर ना लो, मतलब सोशल मीडिया में देख रहे हो उनकी लाइफ ऐसी है ये है, उस प्रेशर में आके तुम कुछ करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ डूइंग इट, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ चेजिंग। मतलब हो रहा ना ऐसा, मतलब सोशल प्रेशर हमारे पे इतना, हम कुछ भी करना चाहते हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े नाम आ जाते हैं हमारे पास कि सारा शुरू करने से पहले ना डर लगने लग जाता है कि यार कैसे होगा। तो ठीक है यार, मतलब कंपेरेटिव होना अच्छी बात है, बट हर किसी को नहीं बनना यार, मतलब हर किसी को सचिन तेंदुलकर नहीं बनना, हर किसी को अंबानी नहीं बना, किसी जो जहाँ है कई लोग खुश हैं वहाँ पे, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके यार। मतलब सोशल प्रेशर में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा ना फिर भी लाइक, फिर भी आपको लगता है कि मतलब आपको सोशल प्रेशर फील हो रहा है, मतलब आप अपनी रेस में भागना चाहते हैं बट आप भाग नहीं पा रहे हैं, आपको दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है, तो मे बी ये जो वीडियो है ना, जो आज की वीडियो आपको एंड तक देखने की ज़रूरत है, तो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, एंड इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, एंड इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारे चैनल को, जो बहुत नया है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है। तो ये मैं ना बात आपको बताऊँ कि ये मेरे एकदम से मतलब दिमाग में नहीं आई, मैं थोड़े दिन पहले अपनी फ्रेंड के साथ था, तो उसने बताया कि अभिनव यार आई एम हैप्पी, आई टोल्ड हर यार आई एम लाइक इट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग टू बी हैप्पी। यदि नहीं मतलब लाइक आई नो कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो अपने आप को ना मतलब एक एक सिबलिंग से कंपेयर कर रही, तो यदि बहुत ना कई बार प्रेशर आ जाता है कि मतलब वो मेरा सिबलिंग इतना अच्छा कर रहा है, एंड लाइक मैं अभी लाइक जो कर रही हूँ लाइक आई एम हैप्पी विद इट, मतलब जो मैंने सोचा था 2 साल पहले कि मैं ये करूँगी, आज मैं वो कर रही हूँ, आई एम हैप्पी विद इट। बट मुझे जब लाइक कई लोग कंपेयर करते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि क्या है यार, मतलब हम सिर्फ अपनी रेस पे फोकस नहीं कर सकते। तो आई वाज लाइक मैंने उसकी ये बात सुन के लाइक सडनली जस्ट आई गॉट अ हिट, एंड फिर मुझे था कि मुझे ये वीडियो बनानी है, तो फिर ऐसी लाइक तो
ऐसी लाइक मेरे दिमाग में एक स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी थी, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये ना स्टोरी है क्रिकेटर के ऊपर। ये क्रिकेटर, अब क्रिकेटर का नाम है तो आपको लग रहा होगा कि धोनी की बात हो रही है या फिर सचिन की बात होगी, बट नहीं, मैं आपको बहुत ही स्पेशल क्रिकेटर है, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो ये क्रिकेटर का नाम है हकायतो ज़िमोनी। हकायतो ज़िमोनी अपने स्टेट का चैंपियन है। ही इज़ अ चैम्पियन क्रिकेटर फ्रॉम नागालैंड, फ्रॉम हिज विलेज दीमापुर। ही इज़ द फर्स्ट किड फ्रॉम देयर टू मेक इट टू द बिग लीग। हकायतो ज़िमोनी का जो फर्स्ट ब्रेक था वो उसको मिला 2008 में। वो सिलेक्ट होता है बहुत ही बड़ी एक प्रीमियर लीग के लिए, जिसको हम कहते हैं IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। यस, सो नागालैंड से ऐसा कोई पहला प्लेयर होगा जो लाइक इतनी बड़ी लीग के लिए सिलेक्ट हुआ होगा। तो उसके विलेज वाले बहुत खुश थे, हकायतो ज़िमोनी भी बहुत खुश था, मतलब उसने इतनी बड़ी लीग के लिए उसने मेका वो किया, लाइक उसने क्वालिफाई किया। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बात है कि वो सिलेक्ट तो हो गया था IPL में, बट वो कभी भी टॉप 11 में सेलेक्ट नहीं हो पाया। वो कभी भी उस टॉप 11 में खेल नहीं पाया, वो टॉप 11 में नहीं खेल पाया, वो कभी इंडियन टीम के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं। हम उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हकायतो ज़िमोनी से जब उसके बारे में पूछा जाए, ही इज़ अ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। जब भी आप उसके इंटरव्यूज देखेंगे, वो लाइक ही इज़ लाइक शाइनिंग, वो इतना खुशी खुशी बता रहा है, कहता लाइक आई कैन नॉट बिलीव कि मैं इतनी बड़ी लीग के लिए सिलेक्ट हुआ, मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के साथ खेल पाया, जो मैं बचपन से सपना था मेरा, मतलब मेरा बचपन से सपना था, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देख रहा था। आज मैंने क्रिस गेल के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मैं उनके साथ बस में घूमा, होटल रूम में घूमा, मैं रिकी पाउंटिंग को मिला, मैं सौरभ गांगुली को मिला, उनके साथ मैंने नेट्स पे प्रैक्टिस की, मैं उनके साथ होटल रूम शेयर किया, बस शेयर किया, रेस्टोरेंट शेयर किया, खाना शेयर किया, सब कुछ शेयर किया। कहता और क्या चाहिए यार, मतलब छोटे से विलेज में जब मैं कहता खेल रहा था, लाइक मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा था बचपन में, वो इतनी धूप में मैं खेला, एंड मुझे लगता आज मेरा जो मैंने जितना हार्ड वर्क किया वो सारा लाइक इट्स पेड ऑफ। मैं इतनी बड़ी लीग के लिए सिलेक्ट हुआ है, इतने बड़े स्टार्स का खेला, जो सपना जो विजुअलाइज किया था वो मैंने कर लिया, और क्या चाहिए। अब उसके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू मैंने देखा, तो वो अपने इतनी प्राउडली बता रहे हैं, कहते हमने हम जब ये सिलेक्ट हुआ था तो हम पिक्चर्स दिखाते थे इसकी, मतलब रिकी पाउंटिंग के साथ, क्रिस गेल के साथ, सौरभ गांगुली के साथ। कहते हमारे छोटे से गांव से हमारे लड़के ने इतना बड़ा नाम किया, हमारे हमको और क्या चाहिए। इसको देख के विलेजर्स को, मतलब वहाँ के बच्चों को, वहाँ के यंग प्लेयर्स को इतनी इंस्पिरेशन मिली, कहते लाइफ में और क्या चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, लाइक दिस इज़ सो सेटिस्फाइंग यार। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको मतलब तेंदुलकर ही बनना है, या आपको धोनी बनना है, या आपको CEO बनोगे तो आप अंबानी जैसे बनोगे, या फिर आप सिंगर बनोगे तो सिर्फ अरिजीत सिंह जैसे बनोगे। यार मतलब सबकी अपनी अपनी रेस है, हम उसमें भागे ना, मतलब अपनी रेस पे फोकस करेंगे तो मतलब जहाँ भी जाएंगे हम खुश रहेंगे, विल बी हैप्पी, राइट। सो अब डिपेंड ये करता है, अब हम इस स्टोरी को ना, पूरे हकायतो ज़िमोनी के किस्से को दो तरह से देख सकते हैं। दो तरह कौन से हैं, एक तो ये तरीका कि वो हकायतो ज़िमोनी ऐसे का प्लेयर था जो मान लो इंडियन टीम में तो सिलेक्ट हुआ ही नहीं कभी, वो जो नाइट राइडर्स की टीम में भी सिलेक्ट हुआ था वो भी लाइक वो टॉप 11 में कभी खेल ही नहीं पाया, ठीक है। और दूसरा तरीका इसको देखने का ये है, एक ब्राइट लिटिल किड, छोटा सा लड़का, एक छोटे से गांव से, इसके बड़े बड़े सपने थे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलने के। वो सिलेक्ट होता उस टीम में, लाइक IPL में सिलेक्ट होता, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलता, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड अब यहाँ पर डिपेंड क्या करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं, कि मतलब आप हकायतो को कैसे देखते हैं, आप उसको फेलियर की नज़रों से देखते हैं या फिर आप उसको सक्सेस की नज़रों से देखते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप अपने कैरियर को कैसे देख रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप लाइक अभी इस टाइम कर रहे हैं, क्या जो आप छोटी छोटी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो छोटी छोटी आपको विंस मिल रही हैं, क्या आप उसके लिए प्राउड हैं, क्या लाइक इफ़ यू आर हैप्पी विद इट, मतलब जो आपने कल किया अगर आप उससे आज बेटर हैं तो आप उसके लिए हैप्पी हैं, कि आप अभी भी कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब नहीं यार बनना तेंदुलकर, बनना मन। तो वो डिपेंड, वो लाइफ में बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, जो मतलब हर कोई अपने माइंड पे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड हर किसी को बनना भी नहीं है यार, हर किसी को नहीं बनना यार तेंदुलकर नहीं बनना, हर किसी को धोनी नहीं बनना, हर किसी को अंबानी नहीं बनना, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। एक नाइकी का मैंने स्लोगन देखा, यू डोंट विन सिल्वर यू लूज गोल्ड। ना ठीक है, बहुत कंपेरेटिव लाइन है, लाइक पर्सनली आई एम वेरी कंपेरेटिव, मुझे ऐसी की लाइन मोटिवेट करती है,
बट यू सी कि लाइफ में हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपसे बड़ा है, आपसे बेहतर है, आपसे अच्छा कर रहा है लाइफ में, बट लाइफ को ये नज़रिया नहीं है लाइफ को इस तरह देखने का। अब देखिए आपसे नीचे भी बहुत लोग हैं लाइफ, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपसे हमेशा कोई ना कोई नीचे होगा, तो आपको हमेशा प्राउड फील करना चाहिए अपने लिए। बट मैं ये नहीं कहूँगा सेटिस्फाइड करना चाहिए, बट अगर आप सेटिस्फाइड हैं बिना तंदूलकर या बिना अंबानी बने तो भी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो भी इट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, सोशल मीडिया ने हमारा सिर्फ दिमाग ख़राब कर रखा है कि लाइफ का स्टैंडर्ड यहाँ है, लाइफ नॉर्मल भी जी सक जा सकती है और हर कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता, एंड दैट्स अ वेरी हार्श ट्रुथ, राइट। सो एक ना रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में पता लगा था कि मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं ना वो ज़्यादा खुश होते हैं सिल्वर मेडल जीतने वालों से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिल्वर जीता ना उसको हमेशा लगता है कि यार थोड़ा सा रह गया यार, गोल्ड जीतता क्या यार, मतलब थोड़ा और कर लेगा तो मतलब गोल्ड आया था मेरे हाथ में। एंड जो ब्रॉन्ज जीता ना उसको उसको ग्रैटिट्यूड होता है कि यार शुक्र है भाई उनको ब्रॉन्ज मिल गया, मतलब अगर रेस से बाहर ही हो जाता, मतलब ये भी ना मिलता तो मैं दिखाता क्या। सो ही इज़ ग्रेटफुल, ही और शी इज़ ग्रेटफुल कि वो एटलीस्ट ब्रॉन्ज मिला उनको। तो आज मतलब इतनी ये सब सुनने के बाद, ये सब बोलने के बाद मैं आपको यही कहूँगा कि लाइफ है ना, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी रेस है, कोई रेस नहीं चल रही इधर उधर, ये आपकी रेस है, आपको अपनी रेस में भागना और आपको कल से बेटर बनना। दिस इज द मॉरल फॉर टुडे, दैट इज रन योर ओन रेस। ठीक है ना यार, बस इतनी सी बात है, रन योर ओन रेस एंड बस कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। ठीक है, इधर उधर चक्कर में मत पड़ो यार, इंस्टाग्राम पे उसके मतलब मिलियन फॉलोअर हैं, मतलब आज मैं अगर मोटिवेशन स्पीकिंग कर रहा हूँ या फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं ये थोड़ा सही तरीका रहेगा कि मैं देखूँ भाई साहब संदीप महेश्वरी को, संदीप महेश्वरी के 1 मिलियन फॉलोअर हैं, जो मेरे 1 मिलियन होंगे तब मैं ये सब करूँगा, ऐसा नहीं होता यार। अरे ठीक है, 5-6 हज़ार फॉलोअर हैं, कल को बढ़ेंगे अगर अच्छी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे आगे, दिल से बात करेंगे, आप दिल से सुनेंगे, मतलब अगर पॉजिटिव लाइफ चेंज होगी लोगों की, मतलब ये कंटेंट देख के या जो भी मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पोस्ट करूँगा आने वाले टाइम पे, फिटनेस वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बहुत आ रही हैं जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अगर आपके काम आएगी तो आप ऑब्वियसली सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ, हमारा मतलब मेरा काम है यहाँ पे आके कहना मतलब हर वीडियो के साथ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बट जब वैल्यूएबल कंटेंट होगा तब हो जाएगा, क्या टेंशन है भाई, अपना अपना काम करो, मस्त रहो, जो ब्रॉन्ज मिला है उसमें खुश रहो एंड अपनी अपनी रेस भागो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर देना जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी हमारे फेवरेट चैनल में, द अभिनव जैन। थैंक यू।